ज्ञान लिटरेचर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पंचक, जो पंचक होता है या पचक भी कहते हैं, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहता है तब उस समय को, उस वक्त को पंचक कहते हैं, पचक भी कहते हैं, कहीं कहीं देहाती भाषा में पचक ही कहते हैं। यानी घनिष्ठा से रेवती तक के जो पांच नक्षत्र हैं, वो पांच नक्षत्र हैं घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो यदि घनिष्ठा से रेवती तक जो पांच नक्षत्र होते हैं उन्हें पंचक कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इन नक्षत्रों को अशुभ माना है, इसलिए पंचक में कुछ कार्य जो है विशेष कार्य वे नहीं किए जाते हैं, वो अशुभ होते हैं। तो जनरली ये ज़्यादा, हालांकि ज़्यादा वक्त तक का नहीं रहता है, पर अगर नक्षत्र के प्रभाव के हिसाब से पंचक आ रहा है तो क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी नक्षत्रों का जो प्रभाव रहता है, ये पांच जो मैंने आपको बताया नक्षत्र, छह नक्षत्र, उसमें क्या क्या रहता है। तो घनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है, शतभिषा नक्षत्र में कलह होने के योग बनते हैं, और पूर्वा भाद्रपद योग में जो रोग कारक नक्षत्र होता है, उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है, मतलब आपके धन का नुकसान होगा, और रेवती नक्षत्र में धन हानि की संभावना होती है। अभी मैं आपको पांच कार्य बताता हूं जो आपको पचक में नहीं करना चाहिए। वो काम क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। घनिष्ठा नक्षत्र में घास, लकड़ी आदि ईंधन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इससे अग्नि का भय रहता है। दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इन नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना गया है। रेवती नक्षत्र में घर की छत डालना हानि और क्लेश करवाने वाला होता है। चारपाई नहीं बनवाना चाहिए या चारपाई नहीं खरीदना चाहिए उस दौरान। पंचक में शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से कुटुंब में पांच मृत्यु और हो जाती है। यदि परिस्थितिवश किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक अवधि में हो जाती है तो शव के साथ पांच पुतले आटे या कुछ से बनाकर अर्थी पर रख दिया जाता है, और इन पांचों का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। तो परिवार में इस दोष से और किसी की मृत्यु नहीं होती है, और जो पंचक दोष है वो समाप्त हो जाता है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई है पंचक दोष का, कि इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। वैसे देखिए, हर चीज की अपनी मान्यता होती है, लोग नहीं मानते हैं और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। देखिए, आम इंसान को कब क्या करना है ये उन्हें नहीं मालूम होता है। अब जैसे पंचक है, तो पंचक कब आया और कब चला गया ये आपको तो पता भी नहीं चलता है। नॉर्मल आदमी को कहाँ पता चलेगा। ये तो जो ज्योतिष में घुसा हुआ है, जिन इन चीज़ों को मानता है, ये सब उन चीज़ों के लिए है। बाकी तो ऐसा है कि हर काम को करने से पहले भगवान का नाम लीजिए, जो होना है वो तो निश्चित है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तुम बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो जब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि तुम कर्म करो तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये मानने वाली बातें हैं और नहीं मानने वाली बातें हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।